प्यारे दोस्तों, जब आप किसी को माल बेचने जाते हो तो कस्टमर आपका माल लेकर उसे खरीदता नहीं है। क्यों नहीं खरीदता? कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि कस्टमर आपका माल क्यों नहीं खरीदता? तो जवाब भी इसका हाजिर है कि कस्टमर यह जानना चाहता है कि वो आपका माल क्यों खरीदे। क्यों? बिकॉज उसका रीजन। इसलिए सबसे जरूरी जो बात एक सेल्समैन को सीखनी चाहिए, टॉप सीक्रेट है, जो हर उस प्रश्न का जवाब जो कस्टमर पूछना चाहता है, मैं क्यों खरीदूं, क्या खासियत है इसमें, मेरे लिए इसका क्या फायदा है। बहुत सारे सेल्समैन इसको बेच रही है ये सेम प्रोडक्ट, मैं तुमसे क्यों खरीदूं इसको। तो आप बता सकते हो इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज, इसमें क्या खासियत है, कितने फीचर्स हैं इसमें, कितने एडवांटेजेस हैं इसमें, लाभ इसके बता सकते हो आप। इसको कस्टमर को बताइए कि इसमें 1000 बेनिफिट्स हैं, वो लिस्ट आपने बनानी है। फिर आप बताइए कि इसको खरीदने से पहले क्या लाभ है, कितना डिस्काउंट कंपनी देगी, इसको खरीदने के बाद कंपनी क्या फैसिलिटी देगी है? तो भी कस्टमर जानना चाहता है कि मैं आपसे क्यों खरीदूं। तो आपने कस्टमर का रवैया सोचना है, कस्टमर का फैला सोचना है जो उस प्रोडक्ट को बेचने वाले सेल्समैन नहीं दे रहे। मान लीजिए कि आप एक ऐसा आइडिया अपने दिमाग पर लेके जाना है, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी अपनी कस्टमर की सोच क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। तो उसको अपनी प्रोफाइल में, हर कस्टमर का सबसे जरूरी होता है नाम, उसके नाम के बाद होता है कि उसका क्या इंटरेस्ट है। ये दो बातें अगर आपको पता लग जाए तो कस्टमर आपका हुआ। हर कस्टमर चाहता है उससे नाम से बुलाया जाए, तो हर समय उसको नाम से बुलाइए। साथ ही साथ उसके जो जिज्ञासा है, वो वास्तव में क्यों खर्च करे पैसा, वो आपका ही माल क्यों खरीदे, तो उसका जवाब आप लिखिए। उसको याद करके, उसको अंडरस्टैंड करके कस्टमर को समझाने की कोशिश कीजिए, और यकीन मानिए कि इस बार आपका माल हर हालत में बिकेगा।